नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं। भाना सिद्धू की रिहाई को लेकर रिहाई समिति पिछले कई दिनों से पुलिस प्रशासन के साथ में बैठक की है और इस दौरान भाना सिद्धू की रिहाई की मांग कर रही थी। इसको लेकर भाना सिद्धू के बरनाला के गांव कोटदूना में युवाओं और किसानों संगठनों का भी बड़े पैमाने पर जमावड़ा हुआ था। और आपको बता दें कि विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता लाखा सिद्धन ने भी प्रशासन को 2 बजे तक का समय दिया था ताकि भाना सिद्धू को रिहा किया जाए, अन्यथा नेशनल हाईवे पर सड़क जाम कर संघर्ष किया जाएगा। इस संबंध में लखा सिंह सिधाना ने भाना सिद्धू से मोबाइल फोन पर बात करके इसे स्पष्ट भी किया था और भारी सभा में भाना सिद्धू की रिहाई की जानकारी भी लोगों के साथ शेयर की थी। और वहीं पर जहां पर विशाल जनसमूह के माध्यम से भाना सिद्धू का जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी लड़ते समय जान चली जाए, चाहे जो मैं जो मुसीबत झलनिया पैनगे मैं झलन तैयार हाँ। अगली गल जी मैं थोड़ा गल कहना चाहना, जी मेरी हड बीतू की गल है जी मेरे वापरिया ने गिया, वो मैं थोड़ी एक बेनती करना चाहना, वो आप खुला समा रख लीए। बड़ा मेरा थोड़ा जहा ना मैं टाइफाइड बड़ा लंबे समय तो विगड़िया हुआ, बुखार ना मैं बहुत चढ़ता वो करके, जिड़िया थोड़े सवालों का जवाब आ और मैं पूरे ऐन सही तरीके दूंगा, लोगों के बैठ के दूं, किसान जथेबंद बैठ के दूं, मजदूर जथेबंद बैठ के दूं, सिख जथेबंद बैठ के दूं। अगली गल जी मैं थोड़ा कहना चाहना, इतने मैं याद करना वो लोगों जो 28-28 साल तो जेलों के बैठे ने पंजाब के लिए, जिन्होंने बड़ा लंबे समय तो पंजाब के लिए बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने, मेरी तो कुछ भी नहीं है इस बिज़नेस में। तीन नूं इन्नियां रोकां लाईआं, इन्ना रोकण जदों बंदे फड़ ले गए, बंदे नूं कुटमार कीती, डांगां चलाईआं, बैरीकेड लाए, तीन नूं लोग पहुंचे सी, पर मैं कहना उन्हां लोकां दी जित है। इत्थों पता लग जाणा चाहीदा सरकारां नूं हुकूमतां नूं वी इत्थे लोक इकट्ठे हुंदे ने, उत्थे तुहाडे नाल जबर जुल्म नहीं चलूगा। ते इह आवाजां वी नहीं दबणियां, गल याद रखियो, जिवें तुसीं भाने दी आवाज दबण दी कोशिश कीती, चैनी खोह दे परचे, फरौतियां दे परचे, तुसीं उहदे उत्ते बर्फा वाले पानी पाए, बर्फ दी सलंगा लटाया, नंगे करके वीडियो बनाईया। किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह दलेवाल फतेहगढ़ साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की कोई नई मांग नहीं है, लेकिन वे उन्हीं मांगों को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन पर सरकारों ने सहमति जताई है। तो वहीं भारतीय किसान युवा संघ के संस्थापक अभिमन्यु गौड़ ने भी कहा कि किसानों का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसमें युवा किसान भी हिस्सा ले रहे हैं। लगेगा पता, मीटिंग होने जा रही है, जो मीटिंग ने कंप्लीट होना है उदो रिजल्ट आने ने, की हो जाने ने, कि पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी के ही पता लगना है। तो उस तो बाद अभी आपकी मीटिंग करा, मीटिंग में जो जो सरकार ने साडे नाल गल सांझी की, जो रखिया सानू दिता, वो सारे ने सामने आएगा। धन्यवाद साहब, जिस तरह की बैरीकेडिंग की हुई, इस तरह की भारत के पाकिस्तान की बैरीकेडिंग हुई, जिस तरह की तुहाडे दरमियान बनी हुई है, यदा मतलब सरकार की घबराहट नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा में पूरा जोश का माहौल है, जुनून का माहौल है, इंटरनेट बेशक बंद हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से तमाम हरियाणा के, पंजाब के तमाम किसान भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जोश के साथ साथ हमें होश भी रखना है और हमारा मोर्चा अगर शांतिपूर्ण चलेगा तभी मोर्चा फतह हो पाएगा। तो किसी भी तरह की हिंसा हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, यदि जाने अनजाने में कोई हिंसा हमारी तरफ से हुई तो हमारे मोर्चे को कमजोर करेगी और सरकार को ताकतवर करेगी, इसलिए जो साथी मोर्चा फतह करना चाहते हैं वो शांतिपूर्वक आगे बढ़े। दिल्ली जाएंगे जी? 100% दिल्ली जा रहे हैं, आज यहाँ मत्था टेकने आए हैं, परमात्मा से वाहेगुरु से आशीर्वाद लेने आए हैं और इसी आशीर्वाद के भरोसे दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जालंधर पहुंचे हैं और देश में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की केंद्र सरकार की मुहिम के तहत अनुराग ठाकुर जालंधर पहुंचे हैं और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही है और इससे पहले किसी भी सरकार ने लोगों के हित के बारे में कभी नहीं सोचा। अनुराग ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मुहैया करवाएंगे और इसी को लेकर आज देश के 27 स्थानों पर रोजगार मेले के नाम से कैंप लगे हैं।
जहां पर सरकारी नौकरियां दी जा रही। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कतर में भी पूर्व नौसैनिक को भी सलामत वापस देश में लाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। दस लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां एक वर्ष में देने का भी, और इसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े किए। मुद्रा योजना के अंतर्गत 34 करोड़ ऋण अलग से दिए गए, यानी कि करोड़ों लोगों को अपने पांव पर खड़े होने का अवसर मिला। स्वनिधि योजना में 78 लाख से ज्यादा रेडी पटरी फड़ी, ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले मेरे भाई बहनों को 78 लाख से ज्यादा लोगों को ऋण दिए। इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया में स्टार्टअप योजना चलाकर अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन भारत खड़ा हुआ, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स के, जहां पर लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल पाए। मैं अपनी ओर से 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पाने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। कतर से ही जो 8-9 सैनिक थे पूर्व, उनको मौत की सजा माफ कर दी गई है, साथ की वतन वापसी भी हुई है, एक कूटनीति जो भारत की दोबारा कामयाब हुई है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार। मोदी है तो मुमकिन है। आज से 45 दिन पहले इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था, और अब भारत के नौसैनिक अधिकारियों को उनको वापस यहां पर लाकर एक दिखाया है कि हर एक जान की कीमत, हर भारतीय की जान की कीमत है, ये मोदी सरकार है। तभी तो ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से लगभग 27,000 भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया। दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हुआ हो या संकट आया हो, भारत के लोगों को सुरक्षित निकालकर लाया गया। नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, तब भी एक एक जान को बचाया गया। अफगानिस्तान में अगर तालिबान का कब्जा हुआ तो तब भी जहां एक और हजारों सिख परिवारों को निकाला गया, वहीं पर जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं उनको भी विशेष विमान से उनको लाने का काम किया। 10 वर्षों में यही बदला है कि भारत की साख बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत के हर नागरिक की जान की कीमत इसकी बढ़ी है। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी ने भारत का मान सम्मान तो बढ़ाया ही है, हर भारतीय की जान की कीमत वो भी शायद पहले की सरकारों में उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, आज हर जान की कीमत है। मानसा जिले के किसान आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, और किसान संगरूर के रास्ते सामना चीका के रास्ते पहुंचेंगे। किसानों ने भी आरोप लगाया कि हरियाणा में पुलिस ने बड़ी बड़ी रोक लगा रखी है और पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है, मगर किसानों के उत्साह के आगे कुछ भी नहीं टिकेगा, क्योंकि पिछली बार भी किसानों ने सभी बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली पहुंच गए थे। किसानों ने कहा कि वे अपनी मांगे पूरी होने तक डटे रहेंगे। 13 फरवरी को सभी बैरिकेड तोड़कर, जो बैरियर गेट है वो भी तोड़कर दिल्ली अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रहेंगे। ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਟੈਣੀ ਮਿਸਰਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ। 5ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ 2020 ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ। ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਰੋਕ ਲਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में आपको बता दें कि एक गाड़ी का मोहाली में चलान कटने का मैसेज गाड़ी के मालिक के पास शनिवार को आया और उसके बीच में आपको बता दें कि समय बाद में चलान के भुगतान का मैसेज भी उन्हें मिल गया, लेकिन गाड़ी के मालिक उमाकांत का कहना है कि जिस समय ये चलान हुआ उस समय उनकी गाड़ी चंडीगढ़ के सेक्टर 38 ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी और वह उस समय मोहाली गए हुए थे, अब मोहाली नहीं हुए थे और हो सकता है कि कोई भी उनकी गाड़ी के नंबर का गलत इस्तेमाल कर रहा और इसकी शिकायत उन्होंने मोहाली पुलिस को भी दे दी है। चंडीगढ़ के डीएसपी ट्रैफिक महेश कुमार ने भी बताया कि उन्हें इस तरह से चलान संबंधी एक शिकायत मिली है, इसकी जांच भी की जा रही, एयरपोर्ट रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी देखा जा रहा है। मैं ऑफिस में बैठा था 2:45 से लेकर 5:35 तक मैं ऑफिस में था, तो अचानक 5:03-04 पे मुझे मैसेज आता है और मैंने जब मैसेज देखा तो उसमें आ रहा था कि मेरी गाड़ी का चलान हो गया है मोहाली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और वो 4:58 पे हुआ, जबकि मैं उस टाइम ऑफिस में ही बैठा हुआ था। और मैंने जब देखा तो मैंने एकदम सर्च किया उसके ऊपर वाहन के ऊपर, तो वहाँ मुझे चलान नहीं दिखा। जब मैंने उस जहाँ चलान के पे लिंक को क्लिक किया तो वहाँ पता लगा कि मिसबिहेवियर विद पुलिस एंड नॉन स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल का चलान हो गया है और 500 रुपये साथ ही साथ पे हो गए हैं। एक तो एक तरफ से था कि व्हीकल रोका नहीं गया, दूसरी तरफ से था कि साथ साथ पे हो गए हैं और कार्ड से पेमेंट हुई है। अगर वो कार्ड से पेमेंट हुई है, मैंने नहीं की, तो किसने की है पेमेंट वो चेक किया जाए और व्हीकल कौन सा था उसकी फोटो दी जाए। नंगल से आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए एक विशेष ट्रेन आस्था रवाना हुई है। आपको बता दें कि ये ट्रेन है वो बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें जिला भर से 1300 से करीब श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचेंगे और ये ट्रेन 19 घंटे का सफर तय करते हुए अयोध्या पहुंचेगी और जहां पर 20 घंटे का विश्राम लेने के उपरांत तीसरे दिन अयोध्या से वापस नंगल के लिए रवाना होगी और इस दौरान खाने पीने की व्यवस्था भी ट्रेन में होगी। दूसरी ट्रेन जिहड़ी है वह साढ़े इतने 6 गुरुओं की चरण छो प्राप्त पवित्र धरती तो शुरू हुई है। सो अज जिहड़ा हर्ष और उल्लास लोगों का खुशी जिहड़ी लोगों की और जिन्हों कहने दे एक मन दे विच सुपना सीगा कि असी अयोध्या की पवित्र धरती उत्ते अपने आप दे मतलब उन्होंने दर्शन कर सकीए और समर्पित कर सकी राम की सेवा दे लई, वह अज सुपना साकार हो जा रहा। मैं सारे जिन्हें भी इत्थे मेरे नाल भाईचारा है आया होया और जिहड़ा भाईचारा दर्शन करन जा रहा है, मैं उन्हां सारयां नूं वधाई दिंदा। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और पूरे भारत तो नहीं पूरे विश्व तो आस्था का सैलाब वो पूरे अयोध्या वल चलिया वा है। अज साडा नंगल का बहुत सुहागया है, साडे वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि नंगल तो अयोध्या नूं ट्रेन गई है और राम भक्त जिहड़े है बड़े उत्साह दे नाल अयोध्या गए है और इत्थे नंगल निवासी फुलां दी वर्षा नाल माला पा के उन्हां दा स्वागत किया है। और जिहड़ा मैं अयोध्या जाके आया हाँ, अयोध्या जाके उत्थे जिहड़ा भक्तिमय वातावरण है, पूरे हिंदुस्तान दे जिहड़े दर्शन हुंदे है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो लोग पहुँच के राम दी आस्था दे अगे सिर नवा रहे है। ये साडे वास्ते एक ऊर्जा दा केंद्र बनिया है और विश्व दे विच भारत विश्व गुरु बनण वास्ते ये पहला कदम है और मैं दावे नाल कहिंदा हाँ कि भारत जिहड़ा है दोबारा विश्व गुरु बनेगा और भारत का अनुसरण करके विश्व में शांति आएगी। जय श्री राम। कि भगवान राम दे जन्म स्थान अयोध्या दे अंदर जिहड़ा भव्य मंदिर बन रहा है उत्थे दर्शन करन लई अज नंगल डैम तो एक आस्था स्पैशल ट्रेन चल रही है जिहदे च नंगल, आनंदपुर, रोपड़, मोरिंडा, मोहाली, खरड़ इन्हां सब शहरां कस्बियां दे राम भगत जिहड़े है वो अयोध्या जी जाणगे। सो अज नंगल डैम तो इस ट्रेन नूं झंडी देण लई असीं आए हां और बहुत ही खुशी दा पूरा राममय वातावरण है, दिखा रहा है कि देश दे लोकां दे अंदर, पंजाब दे लोकां दे अंदर। हाँ जी, पहली बार जा रहे हैं जी, नहीं अयोध्या पहला भी गया के आए हुए हैं पर हुण जैसे प्रोग्राम होया जदा इस चीज़ों होया तो असीं फिर
द्वारा जा रहे हैं दर्शन पाने। बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार, पूरी लगी हुई है, योगी जी की सरकार ने सब प्रकार दी व्यवस्थावां कीतियां, हजारों की गिनती जड़े श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। इसमें जो ऑनबोर्ड सुविधाएं हैं उसमें हाउसकीपिंग सर्विसेज हैं, अपने स्टाफ के लिए खाना है, तीनों टाइम की मील्स हैं और सिक्योरिटी है। तो सर कितना किराया यहाँ से अप डाउन कितना किराया लगता है? किराए का हमारे पास डिस्क्लोजर नहीं है क्योंकि IRCTC की टूरिज्म पोर्टल पे इसकी बुकिंग हुई है, किराए का हमारे पास डिटेल नहीं है। तो सर जैसे यहाँ से 7 बजे चली है तो वहाँ अयोध्या कितने बजे? 19 घंटे की जर्नी करते हुए कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे अयोध्या पहुँचेगी। तो वहाँ से सर वापसी? मानसा के गांव सहारण से मारपीट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि नशा तस्करों ने जगमेल सिंह नाम के नौजवान को बुरी तरह से पीटा जिसके बाद उसकी मौत हो गई। नौजवान के परिजनों का भी आरोप है कि पुलिस ने पहले आरोपियों के खिलाफ कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की, जिसके चलते नशा तस्करों के हौसले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि मृतक ने गांव में नशा खत्म करने के लिए कमेटी का गठन किया था जिसको लेकर युवक नशा बेचने वाले लोगों का विरोध भी कर रहा था और इसी को लेकर रंजिश के चलते जगमाल सिंह को बुरी तरह से मारपीट की गई और उसकी टांगें तोड़ दी गई हैं और उसे कई अस्पतालों में भर्ती करवाया गया और अब एक नौजवान की जो है वो मौत भी हो गई है। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ 8-9 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਪਾਣ ਪਛਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟ 3 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, 3 ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ CID ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਹਲਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗਾਂਵ ਤਿਬੀਆ ਵਾਲੀ ਕੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ਪਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਜਰ ਸਿੰਘ SHO PSGHS BSF ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗਈ ਔਰ ਸੂਚਨਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਆਰੋਪੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। घटना सीमावर्ती विधानसभा हल्का से है। आपको बता दें कि जहां पर आए दिन हो रही चोरी से लोग सहमे हुए हैं। आपको बताते चले कि बीती रात चोरों ने लोगों के गुरु कृपा ज्वेलर्स की दुकान की दीवार तोड़ दी और 20 किलो चांदी, 10 सोना और साथ ही 40,000 कैश और एक लाइसेंसी पिस्टल लेकर फरार हो गए हैं। इस संबंध में दुकानदार भूपेंद्र कुमार भोला की भी प्रतिक्रिया सामने आई। फिलहाल इस संबंध में लोगों के थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और चोरों की तलाश के लिए CCTV खंगालनी शुरू कर दी है। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾਹਨ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੋਂ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ।
ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਂਦੀ 20 ਕਿਲੋ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਦਸ ਤੋਲੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਸਟਲ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤਮੈਕੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਲ ਫੇਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇਹ ਡਬਲ ਕੰਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਮਗਲੇ ਕੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੋੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਗਲੇ ਕੰਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ आदर्श नगर इलाके में चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। जिम के बाहर से सरेआम युवक बाइक लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी देते हुए जिम ट्रेनर दिवाकर बताया कि उसने अपनी बाइक बैलेंस जिम के बाहर खड़ी करके जिम में चला गया था। ड्यूटी खत्म होने के बाद में बाहर आकर देखा तो बाइक गायब थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक चोर स्प्लेंडर बाइक लेकर फरार हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इसी जिम के बाहर हर महीने एक बाइक चोरी हो रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें जालंधर की हैं जहां पर बाइक चोर जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो जिम के बाहर का है जहां पर जिम आने वाले लोग अपनी बाइकों को बाहर खड़ी करते हैं और इसी दौरान हर महीने एक बाइक जो है वो चोरी होने का सिलसिला लगातार जारी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, आदर्श नगर में चोरी की ये तस्वीरें जहां पर स्प्लेंडर बाइक चोरी करता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है और ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। माहिलपुर में मुख्य चौक पर आपको बता दें कि चावला क्लॉथ पर 3 बाइक सवारों ने दुकान के बोर्ड पर 12 राउंड फायरिंग की है और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। आपको बताते चले कि बदमाशों ने कहा कि ये फिरौती कौशल चौधरी गैंग की तरफ से मांगी गई है। बदमाश फिरौती की पर्ची दुकान पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद माहिलपुर के व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने भी अपना गुस्सा भी जताया। व्यापारी दिन दहाड़े हुई इस घटना से काफी परेशान है। उन्होंने पुलिस से अपील की कि जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। इनफॉरमेशन दुकान तो फोन आया तो चौंक से साडा ड्यूटी ते मुंडा हुआ एक खड़ा उन्हें दसिया है इन्हें 12 होया